गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पीवीआर स्टडी पे। मेरा नाम है मोहम्मद शानू। ठीक है दोस्तों, कल हम लोगों ने हेलो आवाज़ आ रही है सर कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्लड्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम साइंस देख रहे हैं जो कि NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत ही कंपलसरी है। ज़्यादातर क्या 50% जो है रोल किसका है, साइंस का, किसमें, NTPC और RRB ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग किस पे डिस्कस कर रहे थे, ब्लड्स पे। ब्लड के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ब्लड की कंपोजिशन कैसी होती है, ब्लड का स्वाद कैसा होता है, ब्लड का नेचर कैसा होता है, ब्लड्स कैसा होता है, ब्लड्स कितना पाया जाता है, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग कल के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पहुँच चुके थे ब्लड सेल्स पे। ठीक है, कल हम लोग प्लाज्मा के बारे में कंप्लीट ख़त्म कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के बारे में हमने कल के क्लास में बताया था, ब्लड सेल्स 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी के बारे में भी बताया था, साइज़ के बारे में भी बताया था, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे RBC से, यानी पहली ब्लड सेल्स। RBC होती क्या है, RBC का वर्क क्या होता है ब्लड में, RBC का फंक्शंस क्या होता है, एटसेट्रा, जो भी चीज़ें होती हैं RBC से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को वन बाय वन हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके दोस्तों, ठीक है, आइए हम अपने टॉपिक पे। आरबीसी को क्या कहते हैं भाई, रेड ब्लड सेल। हिंदी में अगर देख लिया जाए इसका नाम लाल रुधिर कणिका। ठीक है, हमने बताया था ना लाल रुधिर कणिका। इसका एक और नाम होता है, अदर नेम क्या होता है, एर्थ्रोसाइट। मित्र, जो मित्र हम सोच रहे हैं कि एर्थ्रोसाइट ऐसे ही लिखा जाता है, एर्थ्रोसाइट। ठीक, अब यहाँ एर्थ्रोसाइट्स नाम क्यों दिया गया है, एर्थ्रोमिस क्या होता है भाई, एर्थ्रोमिस होता है रेड का मतलब होता है लाल, जो कि साइंस की भाषा में कहा जाता है। ठीक है, और साइट सब मीन्स क्या होता है, साइट सब मीन्स होता है सेल। ठीक, लाल सेल या लाल रुधिर कणिका। ठीक, क्लियर हुई यहाँ तक चीज़ें, क्लियर। ठीक है, आगे आई थिंक क्लियर हो गई। आगे इसमें हम चलते हैं, इसकी सबसे बहुत ही ज़रूरी चीज़ क्या है, लाइफ स्पैन यानी जीवन काल। लाइफ स्पैन, जीवन काल कितने डे होता है, 120 डेज। कितने डे होता है, 120 डेज। ये सब बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है, एकदम इसमें कोई भी संशोधन नहीं हो सकता, ये बिल्कुल जो चीज़ें हैं वही करेक्ट हैं। क्या कितने दिन होती है, 120 दिन। कितने दिन होता है इनका जीवन काल, 120 दिन। दो चीज़ें होता है भाई, अगर RBC 120 दिन जीवित रहती हैं तो इसके बाद होता क्या है इनका, ये डेड हो जाती हैं। डेड का मतलब एक्सपायर हो जाना, यानी मर जाती हैं। कहाँ मर जाती भाई, मर जाती हैं, और मर के फिर जाती कहाँ, दो चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। एक अंग होता हमारे बॉडी पार्ट में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तिल्ली कहते हैं जिसको, स्प्लीन, इसको नाम दिया जाता है स्प्लीन। ठीक, एक बॉडी पार्ट्स होता है, वही में ये जाके स्टोर होती हैं, और स्प्लीन को या तिल्ली को हम क्या कहते हैं, आरबीसी का ग्रेवयार्ड। यानी आरबीसी का कब्र ग्रह। सर आवाज स्पष्ट आ रही है, वन सेकंड। ठीक है, आरबीसी का कब्र ग्रह क्या कहते हैं उसको हम लोग, लाल रुधिर कणिका का कब्र ग्रह क्या होता भाई, जिसमें जहाँ पर क्या होती है, लोगों को क्या किया जाता है, दफन कर दिया जाता है ना, जहाँ पर लोग बहुत सारे मुर्दे जो है दफन कर दिए जाते हैं। ठीक है, मरने के बाद जहाँ लोगों को ले जाके दाह संस्कार के रूप में रख दिया जाता है, उसी को कहते हैं कब्रग्रह। तो RBC का कब्रग्रह क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो RBC का कब्रग्रह किसे कहते हैं, स्प्लीन को, यानी तिल्ली को। चीज़ें रख क्लियर होनी चाहिए। एक चीज़ और आप पूछेंगे, सर आपने तो कब्रग्रह बता दिया लेकिन इसकी जन्मस्थली कहाँ है, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। RBC की जन्मस्थली,
आरबीसी की जन्मस्थली, ये भी चीजें हम जान लें, ठीक है। तो आरबीसी की जन्मस्थली कहाँ होती है, दो टॉपिक इससे दो क्वेश्चन आ सकता है, तो ठीक है। बर्थ प्लेस कहाँ पर ये बनती है, कहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है, बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस यानी कहाँ पर इनका निर्माण होता है, निर्माण कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता भाई, बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो कहाँ पर होता है, बोन मैरो में, ठीक है। कहाँ आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में, किस पोजीशन में होता है, किन कंडीशन में, जब हम कैसे हो जाते हैं, एडल्ट यानी वयस्क, वयस्क हो जाते हैं आफ्टर द बर्थ के बाद, बर्थ के बाद आरबीसी का निर्माण किस में होता है, बोन मैरो में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप ये पूछेंगे कि सर बर्थ के पहले कहाँ होता है, बर्थ के पहले, ठीक है, बिफोर द बर्थ, ठीक है, बिफोर द बर्थ, बर्थ के पहले कहाँ पर होता है, तो जबकि जब क्या होता है, बच्चा किस में रहता है, वोम में, वोम का मतलब कहाँ रहता है, इम्ब्रियो में, इम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, यूट्रस में, यूट्रस का मतलब गर्भाशय में, बच्चा जब गर्भाशय में रहता है तब कहाँ पर होता है आरबीसी का निर्माण, तो आप क्वेश्चन लिखेंगे लीवर में, लीवर में, ठीक है, उस समय भी आरबीसी बनती है, बट कहाँ पर बनती है, कौन पार्ट बनाता है, लीवर्स बनाता है, ठीक है, लीवर्स बनाता है, ठीक। ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जब बच्चा जो है गर्भाशय में रहता है यानी यूट्रस में रहता है या इम्ब्रियो में रहता है तो आरबीसी का निर्माण किस पार्ट में होता है, तो आपका आंसर रहेगा लीवर, क्लियर। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ सब चीज़ें। अगला चीज़ आता है नंबर ऑफ आरबीसी, कितनी आरबीसी पाई जाती है, नंबर ऑफ आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी मेल एंड फीमेल में, ठीक है, संख्या, इसकी संख्या, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है इसकी संख्या, हम लोग इसको देख लेते हैं, संख्या क्या होती है भाई, इसकी संख्या क्या होती है भाई, आरबीसी जो है ब्लड में पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा सेल्स होती हैं, सबसे ज़्यादा यानी किस में पाई जाती है, मिलियंस में, नंबर ऑफ मिलियंस में, मिलियंस में पाई जाती हैं, तो जो चीज़ें ज़्यादा पाई जाएंगी उनकी साइज क्या होगी, कम होगी, ठीक, क्लियर हुआ, मतलब जो चीज़ें अधिक होंगी उनकी साइज डेफिनेटली ज़्यादा होगी भाई। ब्लड सोता है, ब्लड कैसा कैसा आर्गन है, एक कनेक्टिव टिश्यूज है, मतलब एक संयोजी तरल, तरल संयोजी ऊतक है, तो यानी अगर ब्लड्स में, ब्लड का मतलब जो भी फ्लूड है, फ्लूड है, एक फ्लूड में जो भारी चीज़ें रहेंगी उनकी, जो मतलब बड़ी संख्या रहेगी, बड़ी संख्या में कोई चीज़ रहेगी उनकी संख्या डेफिनेटली कम होगी। लाइक एज अगर आपके पास कोई बाल्टी हो, उस बाल्टी में एक बाल्टी पानी डाल दिया जाए, कुछ उसमें पत्थर डाल दिया जाए, कुछ लकड़ी के गुटके डाल दिया जाए एंड अदर चीज़ें, कागज़ के टुकड़े डाल दिया जाए, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि जो चीज़ें बड़ी होंगी, जो वस्तुएं बड़ी होंगी उनकी संख्या बाल्टी में सबसे कम रहेगी, मतलब यानी लकड़ी का गुटका अगर बड़ा होता है या पत्थर का गुटका बड़ा होता है तो उनकी नंबर्स ऑफ क्वांटिटी उनकी सबसे कम रहेगी, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखा जाए इनकी संख्या में, संख्या में अगर हमने बात किया तो आरबीसी की संख्या क्या होती है भाई, 4.5 to 5.5 million, किसमें कितना होती है मिलियन, 100 ml Hb, ठीक। ये किसमें होती भाई, मेल में, मेल, मेल का मतलब क्या होता है भाई, पुरुष में, कितनी होती है, 4.5 से 5.5 तक, ठीक है। इसी तरह फीमेल में कितनी होती है, फीमेल में देख लिया जाए, फीमेल में होती है 4 से 5, क्या होती है फीमेल में, 4 to 5 million, इसमें क्या थोड़ा सा ज़्यादा होती है, मतलब नियर अबाउट थोड़ी सी संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, मिलियन, मिलियन किसमें होती है, कितना होती है, 100 ml Hb, किसमें होती है भाई, ये फीमेल में, फीमेल में इसके होता है जो हमारी लेडीज होती हैं, ठीक है, नंबर्स ऑफ आरबीसी, दो चीज़ें आपको स्पष्ट हुई, कितनी होती है मेल में, कितनी होती है 4.5 से 5.5 तक, और फीमेल में कितनी होती है 4 से लेकर 5 million तक, ठीक है, 100 ml Hb में होती है, ये चीज़ें आपको स्पष्ट हुई, ठीक। इसकी संरचना की बात कर लेते हैं, संरचना कैसा होता है इसका भाई, वाई कॉनकेव यानी गोलाकार होती है, कैसा होती है संरचना, स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, संरचना, संरचना यानी स्ट्रक्चर,
कैसा होती है? गोलाकार, गोलाकार किस कैसी होती है इसकी संरचना? गोलाकार। यहां तक स्पष्ट हुई सबको चीजें? संरचना इसकी कैसी होती है? गोलाकार। यह है एक चीज और इसमें नोट करिए, एक पॉइंट, यह है रुधिर, यह रुधिर की अभी जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे बड़ी सेल होती है, कोशिका होती है जिसको कहते हैं ना, कोशिका, कोशिका होती है, ठीक है। क्या कह सकते हो? इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ब्लड, ठीक। इंग्लिश मीडियम वाला लिखेंगे इट इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल ऑफ द ब्लड, इट इज लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड। क्लियर हुई? यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई सबको? ठीक, आगे हम देखेंगे इसकी क्वांटिटी, देख लिया हमने, अब इसकी साइज के बारे में डिस्कस कर लें। ठीक, साइज पे हम आ जाएं थोड़ा सा। साइज क्या होती है भाई? साइज के बारे में हम लोगों ने बात किया, साइज में क्या होती है? सबसे बड़ी होती है, ठीक है। निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। हमने क्या बताया भाई? इसका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। आरबीसी का कब्रग्रह किसे कहते हैं, यानी आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं, किस बॉडी के किस आर्गन को कहते हैं? स्प्लीन यानी तिल्ली को कहते हैं, ठीक। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक। यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम चलते हैं इसमें। अब आरबीसी के फंक्शन, कार्य क्या होता है भाई आरबीसी का? अभी तक हम लोगों ने आरबीसी की स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया, बेसिक चीज। ये जितने भी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, जितने भी पॉइंट्स को अगर आप लिख लेंगे तो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं वीडियो देख के याद कर लूँगा तो ज़्यादा दिन तक वो याद नहीं रहता है और बाद में भूल ही जाता है। तो अगर आप शायद लिख लेंगे जो भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, अपने माउथ से या बोर्ड पर लिख रहा हूँ, उसको आप नोट कर लेंगे तो नोट आपको बहुत दिनों तक आपके जीवन में फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। आइए हम अपने अगले टॉपिक पे। क्या होता है आरबीसी का कार्य, फंक्शन ऑफ आरबीसी, फंक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है। कार्य क्या होता है आरबीसी का, दो चीज़ें इसमें जानना हमारे लिए जब बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे मेन फंक्शन क्या होता है भाई? ये जो है हमारे शरीर में क्या होता है, सेल्स तक ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को और प्लस CO2 को, दोनों को ही क्या कहता है, कैरी करता है। मीन्स क्या होता भाई, हमारे क्या है रिस्पायरेशन में ही बहुत ही बड़ा है, जो हम रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन का मतलब वी टेक ऑक्सीजन एंड वी रिलीज द CO2, यानी हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ तक पहुँचती है, सेल्स में कैसे पहुँचती है, तो इसको कौन ले जाता है, आरबीसी ही ले जाता है। तो इसका मेन कार वर्क क्या हो गया, मेन वर्क क्या हो जाएगा, मेन वर्क कैरीज ऑफ O2 एंड CO2। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, क्या होता भाई, किसको ले जाता है ऑक्सीजन, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, को ले जाना और ले आना। एक चीज़ और आपके लिए जानना ज़रूरी होता है, ये जो हमारे सेल्स में होता है, सेल्स तक क्या होता है, 100% यानी 100% कम्प्लीटली O2 को ले जाता है, CO2 को 100%, मतलब जब भी हम रिस्पायरेशन करते हैं O2 हम लेते हैं तो 100% ये ले जाता, बट 70% ओनली 70-75% ही क्या करता भाई, CO2 को बाहर लाता है। दो चीज़ें हो गई। अब ये पूछेंगे सर
अगर ये 72% 70 या 75% ही CO2 को लाता तो बाकी की 30 या 25% CO2 का क्या होता है। ठीक है, डेफिनेटली भाई अगर ऑक्सीजन 100% है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 100% ही होगी, बट 25% और या 30% कहाँ जाती है, क्वेश्चन ये आ सकता है। CGL में यही क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया था, या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, दोनों क्वेश्चन CGL में या किसी ईयर में मैंने पूछा गया है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है। अब यहीं से आपका एक टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है या उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। हमने क्या देखा भाई, जब भी हम ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होता है, HB प्लस O2। HB का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है, HB मीन्स क्या है यहाँ, हीमोग्लोबिन। ठीक है, HB प्लस O2 क्या बन जाएगा, HBO2 क्या बन गया, HBO2। इसी को हम अदर नाम क्या जानते हैं भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हिंदी मीडियम वाले इसको कैसे लिखेंगे भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, दैट्स क्लियर। ठीक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फार्मूला क्या होता है, HbO2। ठीक, क्लियर हुआ। अब HB प्लस CO2 ये क्या बनेगा भाई, HB प्लस CO2 यानी HBCO2। इसी को क्या कहते हैं भाई, कार्बोक्सिक क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, प्लस जो बच जाता है 30% यही इसी फॉर्म में हमारे ब्लड में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब इसी रूप में ये ब्लड में क्या होता है, हमेशा क्या होता है, जाता है और आता भी है। प्लस जो 30% बच्चा है उससे क्या बनता भाई, कार्बोनिक एसिड बन जाता है, HCO3 क्या कहते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड। ठीक, कहाँ पाया जाता है कार्बोनिक एसिड, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसमें क्या मिली होती है, कार्बोनिक एसिड मिली होती है। इसीलिए जब भी आप कभी भी उसकी बोतल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो क्या होता है, बहुत ही तेज क्या मिलता निकलता है, प्रेशर निकलता है या कुछ झाग टाइप का बोतल के बिल्कुल एकदम ऊपर ही बन जाता है। किसकी वजह से बनता है वो, कार्बोनिक एसिड की वजह से बनता है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, किसकी वजह से बनता है, कार्बोनिक एसिड की वजह से बनता है। ठीक, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई, आगे चले हम लोग। हमने क्या बताया भाई अभी तक आपको, RBC के काम में, RBC का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। मींस क्या होगा, अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर दें तो हिंदी में ट्रांसलेट करने में ये हो जाएगा भाई, ये ऑक्सीजन को जो है हमारे, जब हम रेस्पायरेशन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन को ये 100% ले जाता है, प्लस CO2 को कितने परसेंट लाता है, CO2 के 70% किस रूप में लाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, आगे हम बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन को ही हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेटरी पिगमेंट, क्या करते हैं भाई, कहते हैं, इसीलिए हीमोग्लोबिन को हम क्या नाम दिया गया हमारे यहाँ, रेस्पायरेटरी पिगमेंट। नोट कर लीजिए, पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है ये, हीमोग्लोबिन को हम क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड द, हीमोग्लोबिन HB इज कॉल्ड द रिस्पायरेटरी पिगमेंट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी पिगमेंट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, AC बढ़ाएंगे। रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या कहते हैं भाई, हीमोग्लोबिन को ही क्या कहते हैं,
श्वसन वाला पिगमेंट कहते हैं, हीमोग्लोबिन को ही क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले लिख ले भाई, हीमोग्लोबिन को हम श्वसन वाला भाई मेरा हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है, आप लोग सही कर लीजिएगा, श्वसन वाला पिगमेंट क्या कहते हैं, श्वसन वाला पिगमेंट किसको कहते हैं, हीमोग्लोबिन, HB का मतलब होता है मेरे यारों हीमोग्लोबिन, ये चीज़ आप अंडरस्टूड हैं आई थिंक्स अच्छे से, हीमोग्लोबिन HB का मतलब क्या होता है, क्या होता है HB का मतलब, हीमोग्लोबिन, ठीक। अब आता है RBC से, RBC की कमी से होने वाली बीमारियां, हमने RBC की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिया, हमने RBC के फंक्शन और कार्य के बारे में पढ़ लिया, और अगर RBC हमारे सेल्स में कम हो जाए, हमारे ब्लड्स में कम हो जाए, तो किस तरह की डिजीज़ हमारे शरीर में आ जाएंगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारा टॉपिक अगला रहेगा भाई, मैं देखो चीज़ों को वन बाई वन क्लियर आपको पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ों को, तो आई होप कि आप भी वन बाई वन ही सब चीज़ों को लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी NTPC और RBCs के क्वेश्चन रहेंगे, RRB ग्रुप डी के, सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट करते हुए चलेंगे सब चीज़ों को। और मैं एक चीज़ दावे के साथ कहता हूँ कि साइंस का जो है 50% रोल रहेगा, ठीक है, रेलवे के एग्जाम में, तो आप लोग नोट करते हुए चलेंगे टॉपिक को। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, RBC की कमी से होने वाली बीमारियाँ, ठीक है। आप लिखेंगे पॉइंट, RBC की कमी से होने वाली बीमारियाँ, ठीक, RBC की कमी से होने वाली बीमारियाँ अगर इंग्लिश में कह दिया जाए, ठीक है, लैक्स ऑफ RBC, ठीक है, विच डिजीज इज जनरेटेड, ठीक है, कौन सी बीमारियाँ आ जाएंगी। आइए हम देखते हैं RBC की कमी से सबसे बड़ा जो हमारी सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी होती है, अगर RBC की संख्या हमारे सेल्स में, हमारी बॉडीज़ में, हमारे ब्लड में कम हो जाएगी, तो क्या हो जाती है, एनीमिया हो जाती है। एनीमिया का मतलब क्या होता है, खून की कमी। डॉक्टर्स क्या बताते हैं, अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, कोई आदमी इस टाइप का आपको देखता है, एनीमिया होता, खून की कमी। एनीमिया का मतलब ही होता है, दो रूप होते हैं एनीमिया का, एक इसी का अलग नाम दिया जाता है कि पूरी बॉडीज क्या होती है, येलो कलर की हो जाती है। येलो कलर का मतलब क्या होता है भाई, उसमें भी हमारे अंदर ब्लड्स कम हो जाते हैं, मीन्स क्या हो जाता है, येलो कलर का होने का मतलब क्या हो जाता है, हमें जॉइंटिस हो जाती है। जॉइंटिस किस वजह से हो जाती है भाई, जॉइंटिस का मतलब होता है हमारे शरीर में क्या हो जाए, बाइल्स का सिक्रेशन अधिक हो जाए। बाइल्स क्या होती है, ठीक है, बाइल पिगमेंट का सिक्रेशन अधिक हो जाए, ठीक है, और ये कहाँ से सिक्रेट होता है, गाल ब्लैडर से। तो RBC की कमी से, पहली नोट करिए, RBC की कमी से क्या हो जाती है, हमें क्या हो जाती है भाई, एनीमिया। अभी ये ना पूछेगा एनीमिया को हिंदी में क्या कहते हैं, आई डोंट नो, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेंगे एनीमिया, ठीक, एनीमिया हो जाती है, ठीक है, ये पहली बीमारी हो जाती है। RBC अगर कम हो जाती है तो एनीमिया हो गई, अगर RBC ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता, इसको भी देख लेते, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है, RBC की संख्या ज़्यादा हो गई, नंबर ऑफ RBC इन इंक्रीज आवर ब्लड्स, तो द डिजीज इज कॉल्ड, द संख्या अगर बढ़ गई तो क्या हो जाता भाई, पॉलीसाइथेमिया कौन सी बीमारी हो जाती है हमारे यहाँ, पॉलीसाइथेमिया। अगर RBCs की नंबर ऑफ RBCs इंक्रीज आवर ब्लड्स तो कॉल द पॉलीसाइथेमिया। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई, दिख रहा है ना स्पष्ट, ठीक है। तो हमने क्या बताया, RBC की कमी से एनीमिया, RBC के बढ़ने से पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है, RBC पॉलीसाइथेमिया,
एक और चीज होती है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। अगर हमें थैलेसीमिया हो जाती तो आरबीसी का जो होता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन यानी जीवन काल, जीवन काल कितने दिन का हो जाता है भाई? 52 कितने दिन का हो जाता है? 150 से लेकर 160 डेज। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है? अनेबिलिटी हो जाती है हमारे ब्लड्स में, अनेबिलिटी हो जाती है। जबकि इसका जीवन काल कितना दिन माना गया? 120। अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो 150 डेज हो जाती है। ठीक है, एक और छोटी सी डिजीज होती है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, सिकिल सिकिल सेल एनीमिया। कौन सी बीमारी होती है? सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया। क्या कहते हैं भाई? एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया। हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे भाई? देख लीजिए, सिकिल सेल एनीमिया। ओके, अंडरस्टूड? सिकिल सेल एनीमिया, ये कैसी बीमारी होती भाई? ये एक हेरिडेटरी बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है। कैसी बीमारी होती है? हेरिडेटरी बीमारी होती है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होती है? आरबीसी जो है अपना आकार चेंज कर लेती है, आरबीसी चेंज हिज साइज, अपना आकार ही बदल देती है। मतलब कैसा हो जाता है भाई उसका आकार? हंसियाकार। हंसिया आप जानते हैं, हंसिया का मतलब होता है जो घास आस काटते हैं या धान काटने में काम आता है। हंसिया इस समय धान कट रहा है ना, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, हंसिया बहुत मिलेगा आपको देखने को। ठीक, तो हंसियाकार हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आरबीसी की कौन सी बीमारी होने से आरबीसी की साइज जो हंसियाकार हो जाएगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, सिकिल सेल एनीमिया। किस बीमारी की वजह से होती है सिकिल सेल एनीमिया? ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, सिकिल किस बीमारी की वजह से आरबीसी की जो है साइज कैसी हो जाती है? हंसियाकार। हंसियाकार को भाई, हंसियाकार अगर इंग्लिश में बोल दिया जाए तो मून लाइक, अर्ध मून लाइक, मतलब हाफ मून लाइक जिसको कहेंगे, अर्ध चंद्राकार, हाफ मून लाइक। ठीक, हाफ मून लाइक, ऐसे ही क्वेश्चन आया था, बिल्कुल यही सेम टू सेम सीजन में पूछा गया है। ठीक, तो मैंने कितनी बीमारियों के बारे में बताया भाई? आरबीसी में एनीमिया कैसे हो जाती है? जब आरबीसी की नंबर आप आरबीसी डिक्रीज आवर ब्लड सेल्स, यानी हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या कम होती है तो एनीमिया हो जाती है, और नंबर आप आरबीसी इंक्रीज आवर ब्लड सेल्स तो कौन सी हो जाती है? पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी सुनिएगा कान खोल के, पॉलीसाइथेमिया। ठीक, एक अलग होती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होती है भाई? इसमें क्या होता है? आरबीसी के क्या होती है? लाइफ स्पैन इंक्रीज कर जाती है, यानी 150 से लेकर 160 डेज हो जाती है, बट इसका ड्यूरेशन कितने डेज होता है? 120 डेज ही होता। आर यू अंडरस्टूड? ठीक, नेक्स्ट हमने बताया सिकिल सेल एनीमिया एक ऐसा अनुवांशिक रोग होता है जिसकी वजह से क्या होता है? आरबीसी की साइज क्या होती है? यह डिस्टर्ब हो जाती है। किस कलर की हो जाती है? हाफ मून लाइक, यानी हंसियाकार जिसको आप कहते हैं, हंसियाकार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी मुझे लगता है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है और किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, तो अपने कमेंट को फीड बॉय के रूप में ज़रूर बताएं और हम उन चीज़ों को ज़रूर इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक का, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। थैंक यू।